ऑलराइट गाइस, मुझे पता तुम सभी लोगों को ना बीआर रैंक के लिए एक अच्छा स्किल कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखने के बाद भी और वो स्किल कॉम्बिनेशन यूज करने के बाद भी तुम्हारा गेम प्ले अच्छा नहीं हो रहा है, मुझे पता है ये बात। डोंट वरी, आज कुछ नया मैं तुमको दिखाता हूँ, हो सकता है तुम्हारा आज काम हो जाए। हो ही क्या सकता है भाई, तुम लोग 100% वर्किंग लिख दो मेरे कमेंट में, यानी कि होता है। तो इस वीडियो में मैं तुमको कुछ ऐसे स्किल कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ। चलो भाई देखो अपने क्या देखो हाँ, अगर तुम उसे यूज करोगे ना स्किल कॉम्बिनेशन, भाई क्या बोलोगे मैं तुमको, मैं खुद अभी ग्रैंड मास्टर जाने वाला, तुम भी चले जाओ। बिल्कुल जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने पहले स्किल कॉम्बिनेशन की तरफ, जिसे यूज करने बाद तुम प्रो हो जाने वाले। तो स्किल कॉम्बिनेशन नंबर सबसे पहले तो आप सभी लोगों को लुकिता यूज करना है, इसका मैं यूज आने वाली वीडियो में बताता हूँ। उसके बाद डिमित्री, उसके बाद एंटोनियो सोनिया। देखो डिमित्री का यूज किसी को अभी जानने की जरूरत नहीं, सबको पता है भाई एंटोनियो जो कि बहुत ही ओपी है, 40 शील्ड पॉइंट देता है जो कि बार बार चार्ज होता है। और सोनिया के गाइस मैं क्या ही बात, तुमको पता ही होगा इसके बारे में। क्लिप से समझो लुकिता का रोल। सबसे पहले तो सामने एक एनिमी है, मेरी 200 की एचपी, मैंने पहले एचपी को मार दिया, एनिमी को मार दिया, मेरी एचपी देखो 25% बढ़ गई, यानी कि 25 बढ़ गई। अभी 25% नहीं 50 बढ़ेगी, एक और अगर मैं किल करूंगा तो बढ़ेगी, बोल दिया मैंने बढ़ेगी, माफ करना। उसके बाद गाइस सामने एनिमी आएगा आगे, और उसके बाद देखो पीछे से मारता है, फिर मैं जब इसको मैं क्लियर करता हूं ना गाइस, तो अगर तुम क्लियर भी कर दो तो भी तुम्हारी एचपी 25 बढ़ जाएगी। पहले तो था कि किल करने पे, लेकिन नहीं, अब 250 की एचपी को तुम्हें 50 एचपी एक्स्ट्रा मिल गई, ऊपर से एंटोनियो का 40 एचपी शील्ड पॉइंट एक तरीके से मिलता है, भाई तुम खतरनाक हो जाओगे। यहाँ पे एक और एनिमी आएगा, देखो अगर तीसरा किल मारोगे तो तुमको एचपी नहीं मिलेगी, 50 ही मिल सकती है लुकिता के साथ। और अगर मैं बात करूं इनकी कॉम्बिनेशन की, तो भाई लुकिता का जो है ना 50 एचपी और ऊपर से 40 90 हो गई, और 30 एचपी जो तुमको मिल जाती है एचपी बूस्टर जो होता है, वेस्ट एचपी बूस्टर, उसकी मैं बात कर रहा हूं, 120 एचपी एक्स्ट्रा मिल गई, अब तुम ओवर पावर हो चुके हो। तो ये जो स्किल कॉम्बिनेशन है बहुत खतरनाक है। साथ में गाइस अगर तुम्हारे पास सोनिया भी आ जाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तुम ये क्लिप देखो, तुम्हारे पास सोनिया डिमित्री होने का फायदा ये है, अगर तुम दूर से कहीं से ना आगे पीछे से मार देते हो, तो गाइस देखो यहाँ पे उसने मारा तुमने, और पीछे से किसी ने अचानक से फायर किया, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, वो देखो और तुम नॉक हो गए। तुम्हारे पास 5 सेकंड है, वॉल लगा लो, जल्दी से जितनी वॉल लगा लो, और उसके बाद डिमित्री ऑन करके आराम से गाइस तुम रिवाइव हो सकते हो। ये गेम चेंजिंग है, तुम आराम से रिवाइव होकर मेडिकेट मार के पूरा गेम चेंज कर सकते हो। देखो मैंने ओरियन वाला कॉम्बिनेशन नहीं बताया तुमको इस वीडियो में, उस पुराने वाले वीडियो में, क्योंकि उसको मैंने वहां पे टॉप बताया था, लेकिन मुझे पर्सनली फेवरेट है तो मैं इसे यूज करता हूं। स्किल कॉम्बिनेशन नंबर 2, स्किल कॉम्बिनेशन नंबर 2 में सबसे पहले तो भाई तुम सभी लोग लेना है मारो, और वही बाकी के सेम कैरेक्टर रखना है, डिमित्री सोनिया और यहाँ पे कैली स्पीड के लिए। देखो यार मारो तुमको पता है कि 25% तक डैमेज बढ़ा देता है, यानी कि 3-4 एक्स्ट्रा डैमेज लगेगा, ऊपर से भाई अगर मार करोगे 3% और 28%, मतलब समझ रहे हो ना कनेक्शन, मतलब धोनी वाला कनेक्शन, मतलब क्या ही बोलूं अभी। खैर अभी तो गेम आया नहीं, धोनी वाला कनेक्शन भी नहीं समझ में आ रहा मुझे। बाकी तो मैं तुम सभी लोगों को एक क्लिप से समझाता हूँ कि किस हिसाब से ना स्किल कॉम्बिनेशन वर्क करता है। मैंने यहाँ पे इसको खत्म किया, मैंने डिमित्री ऑन किया, और पता था कि मैं बच जाने वाला हूँ क्योंकि काफी दूर था और आराम से रिवाइव हो जाऊंगा, सोने को इसे टाइम मिल जाता है ना जो 5 सेकंड, क्या मजेदार चीज होती है। उसके बाद देखो गाइस क्या डैमेज आता है लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब समझ रहे हो ना गाइस, थोड़ा डैमेज आता है तो बहुत अच्छा रहता है, और टाइम दोनों बहुत होता है, 3-3 का 10 गोली लगी, 30 एक्स्ट्रा एचपी, समझ जाओ गाइस कितनी अच्छी तरीके से तुम मार सकते हो मारो की वजह से। ये क्लोज में आ जाते हैं, सोनिया तो गाइस मेरी दोनों हटी गई थी, लेकिन यहाँ पे अच्छी बात ये थी कि गाइस कैली थी, कैली से तुम बहुत जल्दी तेजी से भाग सकते हो, ऊपर से गाइस इलीट कैली का तुमको पता है कि 4 सेकंड के बाद रुक के मारोगे तो भाई 102% एक्स्ट्रा डैमेज आता है, तो ये तो भाई लाइक समझ रहे हो ना, वन शॉट वाली गन तो भाई 130-140 पहुंच जाती है डैमेज के मामले में। और ये मैं तुमको रैंक का गेम प्ले दिखा रहा हूं, जितने भी मैं क्लचेस कर रहा हूं ना सामने से सारे रियल रैंक के बंदे और रैंडम प्लेयर के साथ खेला है मैंने। साथ ही में बहुत ही जल्दी गाइस अपनी आईडी के ऊपर ना दिखाने वाला हूं कैसे मैंने ग्रैंड मास्टर किया, और ग्रैंड मास्टर पे मैं सोलो वर्सेस सोलो या सोलो वर्सेस स्क्वाड एक बार ट्राई करके ना तुम सभी के लिए, अगर वोट करोगे तो डेफिनेटली या कमेंट करोगे तो मैं लाऊंगा वीडियो तुम सभी के लिए। तो मैं लड़खड़ा क्यों रहा यार, मैं बोल क्यों नहीं पा रहा हूं, लाइक इतने ज्यादा मतलब मैं वीडियो नहीं बनाता ना आजकल, तो बोलने की जो स्किल है ना हल्की हल्की से मेरी ब्लफ होती है बीच, पर कोई बात नहीं यार, वक्त है निकल जाएगा, यही मैं सोच के लाइक अभी कर रहा हूं ठीक है। और तुमको पता यार फ्री फायर इंडिया तो भाई आ ही नहीं रहा है। खैर ये सब बातें तो बहुत ही अलग ही चली जाएगी, अभी इसके बाद हम बात करेंगे अपने कॉम्बिनेशन नंबर 3 की, वो भी बहुत अच्छी होने वाली है। साथ में मैं एक तुमको ना टिप्स भी देने वाला हूँ, ट्रिक भी देने वाला हूँ, जो कि इस गेम को ना काफी तुम्हारे गेम प्ले को ओपी बना देगा, जो कि सीएस रैंक में होता है और बीआर रैंक में भी होता है इन सब चीजों में, तो वो भी भाई सुन लेना। बाय द वे हम बढ़ते हैं अब अपने स्किल कॉम्बिनेशन नंबर 3 की तरफ, ये होने वाला कुछ अलग सा, इसमें बस मैंने कुछ नहीं किया, ओनली थीबा ऐड किया है। थीबा मतलब समझते हो ना गाइस, बहुत ही ओपी कैरेक्टर, जल्दी से रिवाइव कर देता है, दैट्स इट। और ऊपर से तुम्हारे पास डिमित्री है, खुद को रिवाइव नहीं करता टीम को, ये रेस्ट करने के लिए अच्छा रहता है। जैसे कि गाइस यहां पे 2 एनिमी आए, मेरे कोरोनो ऑन किया, कोरोनो भाई तुमको पता है मिल जाएगा स्टोर पे, आजकल 2-2 एबिलिटी मिलती है, एक तुम्हारे पास होती है जो लगा के आते हो खरीद लेते हो। दूसरी चीज गाइस ये दोनों रेस्ट करते हैं। अब देखो गाइस डिमित्री कितना पावरफुल है गाइस, यहां पे तुमको एचपी भी देगा, और देखो मैंने वॉल लगा दी, कितनी तेज तेज से एचपी दे रहा, 5-5 से तुम एक मेडिकेट मारते हुए देखो कितना मारते हैं। अब यहां से देखो मेरे पास सोनिया है, मैंने एक को मारा खत्म किया और दूसरे को मार के खत्म कर दिया, यहां पे देखो क्या ओपी गेम प्ले मैंने किया है। तो इस हिसाब से गाइस तुम सभी लोग जो है ना स्किल कॉम्बिनेशन का यूज कर सकते हो। पुराना जो स्किल कॉम्बिनेशन था थीबा, एक बंदा लगा
हटा दो डिमित्री और चार बंदे रस कर दो घर के ऊपर, ये सबसे ज्यादा यूज करते मैंने देखा है, मैंने बड़े बड़े प्लेयर्स को देखा है। लाइक अब मैं क्या बोलूं भाई, मैं ही हूँ बड़ा प्लेयर। मजाक कर रहा हूँ गाइस, ग्रैंड मास्टर में खेल रहा था तो वहाँ पे मैंने ऐसे किया था, तो मुझे काफी सक्सेस मिली थी उसके अंदर, तो मैंने कहा तुम्हारे साथ शेयर करते हैं, क्योंकि ऐसी चीज होती है ना रस करने में बंदे बहुत डरते हैं, एक बंदा अंदर जाओ डिमित्री मारो और तीन बंदे कूद जा रिवाइव पे, तो थीवा से उठ उठ के मारोगे सब लोग। अब वीडियो को एंड करने का वक्त आ गया, लेकिन यहाँ तक जो देख रहा है उसके लिए स्पेशल चीज, मैंने तुमको बताया था कि बहुत ही अच्छी लोकेशन है इस मैप में, अगर तुम ऊपर चढ़ जाओ भाई तुम खतरनाक हो जाओगे, उसके लिए तुमको लॉन्च पैड चाहिए था 600 का, पूरी टीम आ सकती है, लगाओ यहाँ पे और ऊपर आ जाओ। और यहाँ पे पीक पे मैं देखता हूँ ऑलवेज 10 में से 7 गेम पे यहाँ पे जोन बनता है सेकंड जोन, खूब सारे किल निकाल सकते हो अगर ऊपर चढ़ गए तो, बहुत सारे एक अच्छी गन लेके पहुंच जाओ 3-4 बंदे और मारो दबा के एकदम, जैसे कि मैं यहाँ पे पहुंच गया। और लॉन्च पैड भाई 600 का आता है, तुमको ड्रॉप में भी मिल जाएगा, और ऐसे अगर तुम सभी लोग चाहो तो 600 कॉइन इकट्ठा करके जैसे कि मैंने बोला तुम ले सकते हो, कहीं से भी वेल्डिंग मशीन आ जाती है वहां से मिल जाएगी, लेकिन हाँ सिर्फ पिंक वाले में मिलती है, पिंक स्टोर में, दैट्स इट। ऊपर से खूब सारे किल करो, बहुत सारे तुमको किल मिलेंगे, फिर प्लस मिलेंगे, तुम आसानी से ऊपर की तरफ निकल जाओगे। तो गाइज बस आज के लिए इतना ही, मेरे सेकंड चैनल पर गाइज मैं ग्रैंड मास्टर का सोच रहा हूँ कि लाइव करूँ पीसी में, लेकिन गाइज पीसी में तो 5000 स्कोर के बाद स्टार्ट ही नहीं होता, तो अब बताओ मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरे साथ तो यही प्रॉब्लम है एक, लेकिन गाइज कोई नहीं, थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए, ऑप्शन में मिल जाएगी तुम सभी लोग वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, मेरे न्यू चैनल का भी मिल सकता है भाई, तुम लोग कर लो भाई, अभी कर लो भाई, मौका है, देख लो भाई कर लो, वरना गाइज बाद में ऐसा है, हाँ डिस्कॉर्ड भी कर लो। देखो गाइज आने वाले टाइम में इंदस को तो करूँगा ही करूँगा, लेट्स सी इंदस में क्या होता है। और अरे यार इंदस का मैं नाम बार बार क्यों लेता हूँ, लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी वॉर जोन और कौन से गेम है अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर, तो इन सब चीज़ें 3-4 गेम से मैं देख रहा हूँ, इनके ऊपर काफ़ी नज़र है, तो इसमें भी हम कुछ कर सकते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट, नहीं व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। भाई इंग्लिश की भी माँ बहन कर दी है मैंने, ये क्या मतलब, ये भी गलत बोल रहा हूँ, नहीं कॉमेडी कर रहा हूँ आई थिंक सरकैज़म।